बात तो ये बनवा कि राहुल जिस चीज़ को हाथ लगाता है जिस वजह से उसको ग्रैंडियर बनाता है, उसको बड़ा बनाता है, छोटी चीज़ को भी कमाल दिखाता है. एंड आई एम श्योर दैट इवेंट को उसने बहुत अच्छी तरह बनाया होगा. एंड आई एम हियर टू वेज दिस ओकेजन. एंड राहुल इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड एंड आई एम श्योर इज गोइंग टू गो प्लेसेस लाइक इवेंट्स. और मैं राहुल को हमेशा बोलता हूँ कि हीरो बनेगा. I think the ambience is very good, people around is very good, the crowd is very good, and the place, excellent. So you're going to rock, that's for sure. Same thing I would like to say. Rahul is the one who always does something different. Rahul always does something different. So like it's his event and I'll be more than happy to enjoy and be here. Any particular song you enjoy in party most of the time? No, all the songs, all the which songs. Has beats, good beats and rocks, we enjoy. So I think music is such a thing that anything which you know, this is a beat, is fantastic. Well, we both are, as an actor, we are doing very well, but we are going one step ahead. We have directed one film, now we are directing one web series and one film as well, both together. Acting as well. Exactly. Because we are friends since almost 30 to 35 years, and we gel each other very well. We have a good thought about making a different film. So we are trying to work out some very different story. Let's see how the future tells. As long as I'm concerned, I'm doing some web series for Z5, which has come up, web portal of Z. For that, I'm doing one serial and web series, and two movies I'm doing. So like the one movie is almost complete, the other movie is into making. Let's hope for the best for those movies and this web series. Thank you so much. बॉगनविलिया इज अ प्रिटी वेरी वेरी प्रिटी प्लेस. ऐसा नाम जो गुलाबों की तरह था, और ये जगह को देखने के बाद लगता है पुराना बॉम्बे का जो कल्चर था ना, वो एक प्रॉपर एक कल्चर था नाइट क्लब का, जो चिल करने का जगह हो बाहर भी आदमी. फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्क्रीन आउटसाइड, द ब्यूटीफुल थिंग विद अ ब्यूटीफुल लेडी एंड पीपल लाइक यू. थैंक्स फॉर कमिंग एंड शोइंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस. पार्टी पर्सन तो था, मुझे पसंद था, एक फेज था जिंदगी में. अब जिंदगी को जीना चाहिए, तो हम बॉम्बे आए थे छोटे जगह से, और हमें सक्सेस मिला, तो हमें मौका मिला कि हम बड़े जगहों में जा सके. अच्छा लगा जाना, सब जाना चाहता है, हम भी गए. फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि चलो ठीक है, एक टाइम हो गया, पूरा हो गया. लेकिन एक टाइम में पार्टी तो मैंने बहुत किया है, और हाँ, मैं मेरा पार्टी में बोला ही जाता है पार्टी. ये बहुत गहरा बात है, नॉट रिलेटेड टू बॉगनविलिया. दो अभी मैंने 1 करोड़ रुपया का एक डिफेमेशन क्लेम मैंने नोटिस दे दिया है, ये इंडस्ट्री में एक लड़की है, उसका नाम है वर्षा बागवानी, राइट. हाँ, और वो पहले I called him because I needed him here as a person whom I know from. Sir, man of the match. Sir, love him. Man of the event. No, Rahul Raj Singh is not Rahul Raj Singh. He's a fighter. He's living in a roller coaster. He goes down, comes up. Again he goes down, he comes up. He never lies back. He's a fighter, and one day I'm sure, he's sure, he will be a very big star. I don't know, from the very beginning I was. Yes. He wanted to be a star. He wanted to be an actor. Yes. Go for the only actor, but now. If I make a good film, good looking guy. Don't waste it. We take him. सर, एक बात इसीलिए मैंने बुलाया, थैंक यू आप भी आए. इन्होंने मुझे सवाल पूछा, आज मैंने ऑटो रिक्शा में क्यों आया.
गाड़ी तो है मेरे पास, लेकिन एक जवाब देना था। मैंने आपको अभी बोला, मैंने आज 1 करोड़ रुपये का डिफेमेशन केस किया है। एक लड़की है वर्षा बागवानी, जो इससे पहले भी काफ़ी सारे नॉन टेलीविजन एक्टर्स के ऊपर केस कर चुकी है, रेप केस किए हैं मृणाल जैन के ऊपर। एंड लेट मी टेल यू, शी इज़ अ काइंड ऑफ अ गर्ल जो जिसने हाईकोर्ट में एक हिस्ट्री क्रिएट किया है कि रेपिस्ट के सामने खड़े होके एक विक्टिम बोल रही है कि रेपिस्ट को छोड़ दो, सिर्फ दैट मीडिया ग्लोर के लिए कि हम मीडिया में आए कि रेप केस। जिंदगी के बारे में नहीं सोचते हैं कि आदमी क्या करेगा, समझे? तो हमारे एक आर्टिकल आया था अभी बॉम्बे टाइम्स में, कवर पेज में था, सब लोगों ने देखा होगा। दैट वॉज वेरी नाइस ऑफ बॉम्बे टाइम्स टू नो मी फ्रॉम बिगिनिंग। ये लड़की ने कमेंट मारा कि यू नो आई हैव सम हाउ, यू नो शादी बिग बॉस में जाने के लिए है। और क्यों शादी बिग बॉस में जाने के लिए क्यों होगा? मुझे तो बाद में पता चला ये कपल है। कैसे पता चला मैं बताता हूँ। वो वर्षा बागवानी ने उस पोस्ट के ऊपर कमेंट करना शुरू किया कि ये बिग बॉस में जाने के लिए है। ये लोग दोनों का चाल था, यानी कि एक 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 जन का जीवन जो गया ये एक चाल के तहत बिग बॉस में जाने के लिए, मतलब हाँ राहुल फ्रॉड है, राहुल चीट है। हाँ 5-6-7 केसेस लगे, इससे पहले कोई केसेस नहीं थे मेरे ऊपर लगे। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट माई केसेस, ये किसी में कुछ नहीं हुआ। एनीवे दैट आई डोंट वांट टू गो देयर। तो रिक्शा में आने का था, उसने लिखा था पूरे, और काफ़ी सारे हमारे टेलीविजन एक्टर्स लोगों ने उसको देखा है और स्माइली दिया है। अच्छा गाड़ी का जहाँ तक सवाल है, आप मेरे भाई हो, आपका गाड़ी मेरा गाड़ी है, एनी टाइम सर, योर कार इज़ माई कार, एनी टाइम। तो ऐसे हैं जो लोग जिनके सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो मेरे थे वो मेरे हैं। आई एम सॉरी अगर कार इज द स्टेटस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, आई एम रियली सॉरी। नो नो, आई एम सेइंग यू, उसने लिखा है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, राहुल राज सिंह खत्म हो गया, चीटर है, फ्रॉड है। और काफ़ी सारे टेलीविजन एक्टर्स ने उसमें स्माइली दिया है, कपल ऑफ एक्टर्स लाइक यू नो अंकित बेरा, दे आर माय फ्रेंड्स यू नो। बट ये लड़की ने इससे पहले भी केस किया, एक मेरे परसों का खुद रिटर्न वापस लिया। तो एंड उसने पता क्या बोला मेरे से मिलने के पहले, 9 महीना पहले, कि मैं प्रत्युषा की बेस्ट फ्रेंड थी। तो मैंने जब उससे बोला कि प्रत्युषा कैसा दिखा, फोटो दिखा ना तेरा, उसके पास कोई फोटो नहीं है, एक भी फोटो नहीं है। जस्ट बिकॉज शी डाइड शी केम टू बी हर बेस्ट फ्रेंड एंड कमिंग एंड सेइंग कि शी हैड लॉट्स टू से अबाउट टू यू, आई विल टेल यू लॉट ऑफ थिंग अबाउट हर। मैं उस समय अलग जोन में हूँ, मुझे समझ में नहीं है। आधा घंटे के अंदर राहुल राज सिंह का जिंदगी चेंज हो गया, खुद लड़का लेके गया है उसे, 3.5 घंटे हॉस्पिटल में रुक, जिंदगी खत्म हो गई। अब एक के बाद एक केस, एक के बाद एक फॉल्स केस। हम बोले अरे यार ये क्या हो रहा है, हम बोले रुक जाते हैं। ये लड़की इज ट्राई टू किल मी इनडायरेक्टली, मतलब सब जगह पोस्ट टैग करना, ऑनलाइन मीडिया इतना बदनाम हो चुका, सबके ऊपर 1-1 करोड़ का डिफेमेशन का केस होगा। लेकिन वर्षा के ऊपर साइबर क्राइम का भी मैंने केस लिया है। और ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ और स्ट्रॉन्ग भाई मी एंड एंजॉय। मैं ख़त्म नहीं हुआ हूँ और क्यों ख़त्म होगा, जब तक लड़ाई कर रहा हूँ तब तक मैदान में हूँ। I understand this guy, I know him since years, ages. Anyway, let's enjoy this place and party. Please, I and let's boom. Captain Yom. I'm with him and always doing it with him. Please. ये जगह मुझे लग रही है बहुत कमाल है। इस स्कूलेंट में जगह बहुत ही कमाल है, जितनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है और जिस तरीके से खुश है यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। पार्टी अच्छी है यहाँ पर, फूड्स अच्छा है, ड्रिंक्स अच्छा है और टोटल एम्बियंस अच्छा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये जगह आर्मी क्लिक होगी, बहुत बड़ा काम है। मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, मेरा बस मुझे जीने ना दे।